चलिए भाई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को पता है कि 22 अगस्त से हम लोग एसएससी जीडी की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आपके पास डेली 4 क्लासेस जाएंगी। उसमें फैकल्टी भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन अब आपको जीडी की मैथ की फैकल्टी से मिलाते हैं, जिनको आप लोगों ने उस दिन देखा हुआ था। लेकिन कुछ और भी कई सारी जो बातें होती है जो हम लोग करना आवश्यक भी होती है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ है धर्मेंद्र सर, जो कि एसएससी जीडी में आप सभी को मैथ पढ़ा रहे होंगे, और मैथ की जो डेली क्लास जाएगी वो शाम को 4 बजे जाएगी। तो सर से कुछ बातें करेंगे, आपको भी जब भी कुछ भी बातें पूछनी होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा, तो हम लोग वो भी चीजें आपसे पूछते रहेंगे। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कि एसएससी जीडी की आप मैथ्स पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, और जैसा कि आपने उस दिन बताया हुआ था कि आपने कई सारे ऐसे एग्जाम है जो क्वालिफाई करे, तो एक बार क्या क्या नाम हो सकते हैं उन एग्जाम के, या फिर आप कब से जो है एग्जाम वो दे रहे हैं? सर देखिए, सन 2012 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। सबसे पहले एक फॉर्म आता है एफसीआई का, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले मैंने उसका पेपर क्वालिफाई किया था 2012 के आसपास। एसएससी उसका एग्जाम कराती थी, में तो उसका मैंने प्री क्वालिफाई किया, फिर उसका मैंने मेंस क्वालिफाई किया, और लास्ट में जब उसमें एक टाइपिंग टेस्ट होता है जिसमें बाद में एक्सेल वगैरह भी पूछा आता है, जो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था, ठीक है, तो इस वजह से मैं वहां से बाहर हो गया। फिर 2013 से लेकर लगातार, चाहे 2013 से मैं सीजीएल, सीपीओ और उसके बाद एक सीएचएसएल, ये तीनों एग्जाम में लगातार दे रहा था। 5 साल तक मैंने सीपीओ लगातार दिया, लेकिन बाद में मैं बाहर हो गया। देखिए, पेपर देना मेरी एक हॉबी बन गई है। मैं पिछले 10 साल से सारे पेपर दे रहा हूँ, और मैं किसी भी पेपर की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पेपर दे रहा हूँ क्योंकि पेपर देने में मुझे मजा आ रहा है।